जीवियस वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है कि आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंटर फैमिली मैरिजेस पे, यानी जो ख़ानदान के अंदर शादियां होती हैं, करीबी जानने वालों में शादियां होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स इंसान फेस कर सकता है, क्या एडवांटेजेस हैं, वो भी बात की जाएगी। अच्छा जी, बात करने के लिए हमारे पास दो बहुत ही मोजिस गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊँ, हमारे पास मौजूद हैं एक मैच मेकर जो शादियाँ करवाती हैं, और माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया है उनको ये काम करा करते हुए। सिंस 1982 शी इज बीन डूइंग इट, एंड क्लिफ्टन वुमेन वेलफेयर सोसाइटी से है मुमताज कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। पहले मैं तमाम जितने भी नाज़रीन हैं और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और आपके इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत ज्यादा बातें करनी है हमें आपसे आज इंशाल्लाह, और मैं बहुत बात सुननी हूं। चलो जी, अच्छी बात है। अच्छा जी, मैम के साथ हमारे पास, सिंस क्योंकि इससे मैजिकली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आते हैं ख़ानदान में शादी करने से, तो हमारे पास जो है एक फैमिली फिजिशियन मौजूद हैं, मॉल क्लिनिक्स में, जमजमा मॉल क्लिनिक्स में होते हैं, डॉक्टर शेख गुलाम कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब मैं सर का नाम ज़रा शॉर्टकट में लेने वाली थी, डॉक्टर एस जी कादिर साहब। थैंक यू। वो एस जी से सर सुई गैस कादिर साहब। कैसे डॉक्टर साहब? मैं ठीक ठाक हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक है। सब खैरियत है? सब खैरियत है। अच्छा ठीक है जी, डॉक्टर साहब तो मेरे से बता रहे हैं सब खैरियत है, मतलब अभी अभी हुई है या पहले नहीं थी? नहीं नहीं, बिल्कुल सब खैरियत है। और नाज़रीन को भी जो है सलाम अलैकुम, कि जो सुन रहे हैं। ठीक। अच्छा वैसे सर, अब सर की बात से ना मुझे एक चीज़ याद आई, आजकल वो फेसबुक पे ना एक वो पिक्चर मैसेज की तरह चल रहा है कि जो सदका जो है ना वो हर बला को टाल सकता है, सिवाय उससे जिसका आपका जिससे आपका निकाह हो गया। तो मेरे जहन में फौरन से वो पिक्चर एकदम से आ गई। अच्छा मुझे समझ नहीं आता, हम इतना शादियों को ब्लेम करते हैं कि शादी ये शादी वो, करते भी हैं और फिर सारा वक्त रोते रहते हैं, पता नहीं क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे। सबसे पहले तो हम मैम से पूछेंगे हमारे पोल का सवाल। मैम हमारे पोल का सवाल है कि नहीं, मैम से पहले नहीं पूछेंगे, पहले सवाल डॉक्टर साहब से पूछेंगे फिर मैम से पूछेंगे। डॉक्टर साहब पहले आप बताएंगे, आप ये बताइए कि हक मेहर की रकम जो है वो कौन मुकर्रर करता है, लड़के वाले लड़की वाले? डिपेंड करता है दोनों पे जो है, अगर आपस में कोऑर्डिनेशन है, आपस में उनकी जो है बात ठीक ठाक चल रही है, तो दोनों जो है पार्टीज मिल के करते हैं, नहीं तो यूजुअली जो है वो डिमांड मिल के करने वाली चीज़ है कि एक एक डिसाइड करे और दूसरा से एग्री करे, ये वाली चीज़ है। हाँ, मोस्टली जो है देखा गया है और हमारा एक्सपीरियंस भी है कि मेल वाले लड़की वाले जो है वो कहते हैं कि जी हक मुहर क्या होगा, इसलिए कि जी वो अपनी लड़की के लिए जो है वो सेफ्टी या वो चाहते हैं, और वो कुछ ना कुछ जो है उसके लिए जो है वो लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि नई शादी नए रिलेशनशिप होते हैं, डेवलप होते हैं, तो इसलिए जो है वो लड़की वाले यूजुअली जो है वो डिमांड करते हैं, या कभी कभी जो है वो दबे लफ्ज़ों में बता देते हैं कि जी आप क्या देंगे हक महर में। और अगर कोऑर्डिनेशन होता है, क्यों बताते हैं जबकि लड़की का हक है? हाँ हक तो है, लेकिन यह है कि जी वो एक एक हक होता है, वो खुद ब खुद जो है वो मेल वाले भी वो भी समझते हैं, दुल्हा वाले भी समझते हैं कि जी इनका हक है और हमें करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं कि जी हम इस्लामी वे ऑफ लाइफ जो गुजार रहे हैं उसके तहत इस्लामी वे की तरफ जो है हम जो है मुकर्रर करें, क्योंकि ये जो है वो हक मुहर जो है यूजुअली जो है इस्लाम में था है कि जी आप शादी की रात पे आप सारा पैसे या सोन या जो भी है आप लिखा रहे हैं वो आपको देना है, और बाद में जो है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आप हाफ उस वक्त दे सकते हैं, हाफ आप बाद में कर सकते हैं? देखिए वो तो हमारी वो तो अब हमारी जो है वो उसमें जो है वो कंसिड्रेशन आ जाती है कि जी हम जो है बाद में सारा देंगे लिखाते हैं, या कहते हैं कि जी आधा हम पहले देंगे आधा बाद में देंगे, लेकिन इस्लामी शरीयत के मुताबिक तो पूरा का पूरा महर देना चाहिए। अब ये मैडम साहबा है, इनको भी पता होगा क्योंकि शादियां कराती है, इनको सारा जो है वो इसलिए मैंने कहा जरा मैम से भी बाद में लूंगी, पहले मैं एक नॉर्मल इंसान की अप्रोच जो है ना मतलब मेरे ख्याल में ये हक तो है, दुल्हन का हक है और उनके रिश्तेदारों का हक है कि जी वो डिमांड करे। सर ये जो रकम जो डिसाइड होती है ये लड़की वालों का हक है कि वो डिसाइड करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अनरियलिस्टिक अप्रोच हो आपकी और आप इतना ज़्यादा डिमांड कर दें कि वो लड़का दे ही ना सके सामने से, ठीक है?
एक लड़की की एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जिस तरह हर जगह का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, इट्स दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट। इस सिलसिले में मैं लड़की और लड़के वालों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप एक दूसरे को लड़का और लड़की वाले पसंद कर लें और प्रपोज करने के लिए जाने लगें, तो ये पूछ लें पहले उनसे, लड़की वाले उनसे, लड़के वालों से पूछें कि आया आपकी कोई डिमांड जहेज के सिलसिले में है, क्योंकि कई लड़के वाले जहेज के सिलसिले में डिमांड करते हैं ताकि बाद में कोई इशू क्रिएट ना हो। और लड़के वालों को मैं कहती हूँ कि आप पूछ लें लड़की वालों से कि आपकी मेहर के सिलसिले में कोई ख़ास तौर पर आपकी कोई ख्वाहिश है या कुछ है, तो वो बता दें ताकि ये इशू बाद में ना खड़ा हो, पहले ही चीज़ों का तय हो जाए। फिर अगर दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे का पता चल जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाता है। क्योंकि अभी तो नहीं, काफ़ी अर्से पहले मैंने एक जगह पर देखा, जी मैं बैठी हुई हूँ शादी, भाई निकाह क्यों नहीं हो रहा, निकाह क्यों नहीं हो रहा। लड़की की वो बहन बोली कि जी, लड़की की बहन बोली कि जी वो मौजिल और गैर मौजिल का झगड़ा हो रहा है। अल्लाह भाई, तुम लोगों ने पीसी में आप बैठे हुए हो और सब बेचारे मेहमान बैठे हुए हैं और आप तय नहीं कर रहे। आई नो शादी जिसमें से लड़के वाले उठ के चले गए थे इस बात पे। हाँ तो भाई पहले क्यों नहीं तय किया, पढ़े लिखे लोग हैं, पहले सब चीज़ों को तय कर लें। तो मैंने फिर उसके बाद हर एक को ये कहती हूँ कि ये सारे इशू पहले आप तय कर लें। और लड़की और नंबर दो में ये जो हक मेहर की रकम डिसाइड करते हैं, कहते हैं लड़की वालों को, लड़की वाले लालची हैं, देखो देखो कितनी रकम लालची की। कोई नहीं, बाजू का लोग धीमे लफ्जों में ये बता देते हैं, हमने अपनी बहुओं का ये हक मेहर दिया मुकरर किया था या हमारी पहली लड़कियों का ये मिला हुआ है, तो धीमे लफ्जों में। तो अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा इशू नहीं बनाते, जाहिल किस्म के लोग उतने ज़्यादा इशू बनाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ ज़्यादा ज़्यादा रकमें भी मेहर अगर लोग लिख देते हैं जिन्होंने बदतमीज़ों ने नहीं देना होता, वो इतना मजबूर करते हैं कि लड़की वाले खुला ले लेते हैं। और क्या वैल्यू रह गई है, अगर एक बंदा करोड़पति है तो अगर 10 लाख रुपए मेहर भी रखेगा तो 10 लाख की क्या वैल्यू करोड़पति अरबपति वाले के लिए। सही। तो मैं बस, मेहर होना चाहिए लेकिन उसको इशू नहीं बनाना चाहिए, लड़के की जेब देख करके, लड़के की क्या तनख्वाह है सही उसके हिसाब से आप मुकर्रर करें ताकि आसानी से कोई दे भी सके। ये क्या बात है, आपने इतना मगार कर लिया कि लड़के वाले दे नहीं सकते, फिर वो लाजमन आपको मजबूर करते हैं खुला लेने पर। सही। और अक्सर रिश्ते जो होते हैं वो इसी वजह से, लड़की खुला नहीं ले रही होती, लड़का हक मेहर नहीं दे सकता होता, तो बस क्यों तो लिंगर होता है काफी, लिंगर हो रहा है, लिंगर हो रहा है, हालांकि वो इस काबिल बचा नहीं वो रिश्ता कि आप उसको आगे कंटिन्यू कर सको। दोनों के लिए मेंटल टॉर्चर है और अगर बच्चे हैं तो वो उनके लिए और टॉर्चर है कि सारा वो माँ बाप को इस सिचुएशन में देख रहे हैं। खैर, शादी के अगर वो शादी टूट जाती है तो बच्चे का टॉर्चर है। अभी मैं इसी सूरत में आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं लड़के वाले और लड़की वालों से कह रही हूँ सब चीज़ें पहले तरह कर लें और कोशिश करें कि तलाक की नौबत ना आए। अच्छा, खास तौर पर लड़कियाँ अगर बच्चों के साथ हैं तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लें, कुछ भी कर लो, और कंटिन्यू करो शादी। ये वाली बात जो है ना, इसमें बहुत सारी बातें उठती हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, छोटे ब्रेक के बीच में हम मैम में बातें करते रहेंगे, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो उसके ऊपर एक बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे से ब्रेक के बीच कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।